सभी का स्वागत है। अगर आपने हमारे MNS News Drive चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत ही सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आपको ताजा खबरों की नोटिफिकेशन मिलती रहे। आइए देखते हैं आज की सबसे बड़ी खबर। संतोष अम्बेडकर में हुआ नया खुलासा, नागपुर में सेक्स रैकेट में 1 करोड़ की ब्लैकमेलिंग। FIR के बदले मांगे थे 1 करोड़ रुपए, संचालक की 13 तक हिरासत में। संतोष अम्बेडकर टोली की करतूत सैलून की आड़ में अम्बेडकर को नाबालिग छात्राओं की आपूर्ति करने के साथ क्रॉपर सैलून का संचालक विवेक सिंह द्वारा लोगों को ब्लैकमेल कर 1 करोड़ की हफ्ता वसूली किए जाने का पता चला है। उसने शहर के कई हाई प्रोफाइल और धनाढ्य लोगों को छात्राएं परोसकर अम्बेडकर की मदद से करोड़ों रुपए की उगाही की है। उससे पैसे देने से इनकार करने पर एक अभियंता को रेप के मामले का सामना भी करना पड़ा है। ज्ञात हो कि अपराध शाखा पुलिस ने संभ्रांत परिवार की नाबालिग छात्रा का यौन शोषण करने के मामले में विवेक सिंह को गिरफ्तार किया है। नाबालिग छात्रा विवेक के लक्ष्मी नगर के 8 रस्ता चौक स्थित सैलून में आती थी। उसने उसका रेप किया और अम्बेडकर के पास भेज दिया। संतोष अम्बेडकर ने छात्रा का यौन शोषण किया, उसने पिस्तौल की नोक पर छात्रा को धमकाया और साथ ही अम्बेडकर की संपत्ति की जाँच में विवेक का भी पता चला है, जहाँ उसका नाम भी शामिल है। इस दिशा में जांच के दौरान नाबालिग के सामने आने पर मामला दर्ज किया गया है। सूत्रों के मुताबिक विवेक काफी समय से संतोष अम्बेडकर के लिए काम करता था। उसने नाबालिग छात्राओं के अलावा सैलून में काम करने वाली कई स्थानीय और बाहरी राज्यों की युवतियों को अम्बेडकर के पास भेजा है। अम्बेडकर ने उनका कथित तौर पर बलात्कार किया, साथ ही लालच अथवा दबाव बनाकर युवतियों को लोगों के पास भेजता था। इसकी आड़ में उसने कई कमजोर लोगों को लड़कियों को ब्लैकमेल भी किया है। मिली जानकारियों में विवेक अपने पास काम करने वाली युवतियों को अपने इशारे में चलाता था। वहीं विवेक की वजह से न जाने कितनी लड़कियां का जीवन भी बर्बाद किया हुआ है, वहीं इस जानकारी में पता चला है कि एक इंजीनियर इसका शिकार भी हुआ है। उसकी एक स्थानीय युवती से मित्रता थी। 2017 में वह युवती विवेक के संपर्क में आई, वह उसके सैलून में काम करने लगी। इसी दौरान विवेक को युवती की अभियंता से मित्रता का पता चला। उसने युवती को काम करने के दौरान मित्रता नहीं करने को कहा था, लेकिन युवती नहीं मानी। वहीं विवेक ने युवती से अभियंता को मार्ग से हटाकर उगाही करने का प्लान बनाया। वहीं उसने युवती को तैयार कर अभियंता को ताड़ोबा ले जाने को कहा। जनवरी 2017 में युवती और अभियंता को ताड़ोबा में ले गई। एक रात बिताने के बाद दोनों लौट आए। वहीं उसी बीच में विवेक ने अभियंता को ही कॉल किया और कहा कि युवती के साथ अश्लील तरीके से फोटो खींचकर मुझे व्हाट्सएप कर। अभियंता ने जैसे ही फोटो भेजे वैसे ही युवती ने चंद्रपुर पुलिस स्टेशन में बलात्कार का मामला दर्ज करवाया। पुलिस ने जांच आरंभ की तो अभियंता ने विवेक का पूरा प्लान ही बता दिया। वहीं विवेक ने 1 करोड़ की मांग की है अभियंता के पिता से। वहीं अभियंता के पिता ट्रांसपोर्टर है, उनमें से यह राशि देने में असमर्थता जताई। वहीं बलात्कार के आरोप में अभियंता को चंद्रपुर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। सारी चाल विवेक ने चली और हो गया गिरफ्तार अभियंता। वहीं 6 माह बीतने के बाद जमानत पर रिहाई हुई थी अभियंता की। अभियंता अंतिम वर्ष की परीक्षा के साथ नेवी अफसर के चयन की तैयारी कर रहा था। वहीं इस मामले में पता चला है कि मोबाइल से हटाई फोटो क्लिपिंग, विवेक के मोबाइल में कई नाबालिग छात्रा और युवतियों के अश्लील फोटो तथा क्लिपिंग भी। नागपुर का डॉन संतोष अम्बेडकर के गिरफ्तारी होते ही वह सतर्क हो गया, उसने मोबाइल से पूरा डाटा ही उड़ा दिया। वहीं कई युवती और छात्राएं से पुलिस की पूछताछ से सेक्स रैकेट की सच्चाई सामने आ सकती है। वहीं अपराध शाखा पुलिस ने विवेक को अदालत में पेश कर 13 दिसंबर तक हिरासत में ले लिया है। वहीं संतोष अम्बेडकर को न्यायिक हिरासत में जेल में है, उसे प्रोडक्शन वारंट पर हिरासत में ले लिया जाएगा। फिलहाल पुलिस और तहे से इस जांच कर रही है। फिलहाल वक्त हो चुका है ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिए देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। तब तक के लिए बने रहिए MNS News के साथ। नमस्कार।